नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पाठ 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 में पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न लिख लेते हैं हम। पहला प्रश्न में केवल भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स दिया हुआ है x² -2। तो देखिए कैसे भाग करते हैं। ये रहा भाज्य x³ -3x² + 5x-3 और ये भाजक, ठीक ना, px को gx से भाग देना है तो x² -2। देखिए कैसे भाग देते हैं। सबसे पहले तो इस बहुपद को देखिए, घटती घात में लिखा हुआ है, ठीक ना, 3, 2, 1, 0, ठीक ना। तो ये सही है, हमेशा घटती घात में लिखेंगे हम लोग, और जो भाजक है उसको भी घटती घात में लिखेंगे, ठीक ना। ये बहुपद के को मानक रूप में लिखने का तरीका है। तो ये सब लिखा हुआ है, तो अब हम लोग भाग करेंगे इसको। देखिए इसको इससे भाग देंगे सबसे पहले, ठीक ना, शुरू को शुरू से भाग देंगे। तो देख क्या आएगा, यक्ष के घात 3 को यदि यक्ष के घात 2 के संग भाग करेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 1 बचेगा। देखिए जैसे यक्ष को 3 बार लिख सकते हैं, यक्ष को 3 बार लिख लिया, बटे यक्ष को 2 बार है तो यक्ष को 2 बार लिख लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए यक्ष बचा, ठीक ना। तो इसको जब हमने यक्ष स्क्वायर से भाग किया तो यक्ष प्राप्त हुआ, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना। ये हमेशा यही तरीका है इसको। अब देखिए क्या, इसका गुणा जब इसका करेंगे तो यक्ष के घात 2 का यक्ष में जब गुणा करेंगे तो यहाँ यक्ष के घात 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका जब उसका गुणा करेंगे, माइनस 2 का यक्ष में गुणा करेंगे तो -2x आएगा, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं -2x, ठीक ना। देखिए यहाँ पे घात 2 है तो इसके नीचे नहीं उतारेंगे, हमेशा सेम घात के चीज़ को ही नीचे उतारेंगे। तो यहाँ यक्ष है तो यहाँ यक्ष है, इसलिए हमने इसको इसके नीचे उतारा है। अब इसके बाद चिन्ह बदलता है। देखिए यहाँ प्लस होता है, ये प्लस है, देखिए हमेशा इसको देखते हैं, यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस रहेगा, ठीक ना। ये माइनस है तो ये प्लस जाएगा, ठीक ना। एक इसको रेड से कर देते हैं, ठीक ना। देखिए ये प्लस है तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, ठीक ना। अब क्या हुआ, ये x² - x² तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये चीज़ के नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये चीज़ यहीं आ जाएगी सीधे, -3x², ठीक। अब चूंकि ये -2x नहीं रह गया, ठीक ना, अब ये +2x हो गया, तो 5 में से 2 जोड़ेंगे, ठीक ना, 5 में 2 घटाएंगे नहीं, 5 में से 2 अब जोड़ेंगे, तो 5 और 2 = 7 हो जाएगा। तो 7x हो गया, फिर इस -3 को लिख देते हैं -3। देखिए ये पहला स्टेप खत्म। अब अगली बार फिर यही काम करेंगे, अब इस -3x² में x² को भाग करेंगे तो -3x² / x², ठीक ना। तो देखिए सेम चीज़ है, x² कैंसिल हो गया तो -3 बचा, तो ये -3 ऊपर लिख लेंगे तो -3। तो इसका मतलब जब इसका गुणा x² - 3 में करेंगे तो -3x² तो आ गया, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब -2 का गुणा -3 में करेंगे तो -2 × -3 = 6, माइनस माइनस कैंसिल 6 आया, तो 6 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, अंक का अंक के नीचे, ठीक ना। तो अब इसको हल करेंगे तो चिन्ह बदल लेंगे, तो देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, ठीक ना, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया।
अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7x यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए माइनस 3 और माइनस 6, तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस 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 अंक जुड़ गया। तो इस प्रकार हमको ये भागफल और ये शेषफल प्राप्त हुआ। तो इसको लिख देंगे, अतः भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न में लिखा है, इसको देख लेते हैं, px क्या लिखा हुआ है। px लिखा है x के घात 4 माइनस 3x के घात 2 प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक ना। तो इसको देखें कैसे करते हैं। देखिए इसमें पहले तो ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर के बाद अचर पद आ गया है ना, इसको एक्स इधर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक ना। अब भाग करेंगे तो भाग कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और भाज्य लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको भाग करेंगे तो देखिए पहले वाले को पहले वाले से भाग करेंगे, मतलब एक्स की घात 4 को एक्स के घात 2 के संग भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर एक्स के घात 2 बच जाएगा, ठीक ना। कैंसिल करेंगे तो एक्स घात 2 बचेगा, तो इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स के घात 2 और एक्स घात 2, मतलब जब गुणा करेंगे तो एक्स घात 4 हो जाएगा, तो ये एक्स घात 4 यहाँ पर आ गया। अब इसका गुणा इसमें, माइनस एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, ठीक ना। तो एक्स इसको करेंगे तो माइनस एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, तो माइनस रह गया 2 और 1 3, तो एक्स घात 3 हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स घात 3 कहीं नहीं है, इसमें 4 था 2 था, तो एक्स घात 3 आया। तो एक्स घात किसी के, इसको किसी के नीचे नहीं उतारेंगे, इसको हम थोड़ा बाहर नोट करेंगे, माइनस एक्स घात 3, ठीक ना। जो घात सेम घात का होता है वो उसी के नीचे उतरता है, तो एक्स घात 3 कहीं नहीं था तो हमने बाहर उतार लिया, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, देखिए जो तीन पद हैं उन तीनों पदों का गुणा इसमें होता है, तो इसका गुणा इसमें किया तो ये मिला, इसका गुणा इसमें किया तो ये मिला, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1x स्क्वायर, ठीक ना, तो प्लस 1x स्क्वायर आ गया, ठीक। अब चिन्ह बदलेंगे इसका, तो यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए माइनस 3 और माइनस 1, तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये प्लस 4x और ये प्लस 5, और इसको देखिए इसको यहाँ नहीं उतारेंगे, ये सबसे बड़ी घात है तो इसको यहाँ उतारेंगे, ठीक ना। तो ये माइनस था, अब ये प्लस में हो गया है, तो प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स क्यूब उतारेंगे, ठीक ना। तब ये घटती घात में बन गया, ठीक ना। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो देखिए एक्स के घात 3 का एक्स के घात 2 में जब भाग करेंगे, एक्स के घात 3 का एक्स के घात 2 में भाग करेंगे, तो 3 है यहाँ 2 है, तो कट के यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा ऊपर, ठीक ना। 3 2 कैंसिल जाएगा, एक बच जाएगा, तो यहाँ आया प्लस एक्स। अब इस एक्स का इन तीनों में गुणा किया जाएगा, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स घात 2 और 1 3, तो हो गया एक्स घात 3। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये है माइनस एक्स गुणे एक्स, तो गुणा में एक माइनस देते माइनस लिखा जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, तो माइनस 1 स्क्वायर, ठीक ना। जिसको आता है वो ऐसे कोई जरूरत नहीं लिखने का, ऐसे थोड़ा 1 लिख देने से घटाने में थोड़ा ईजी पड़ जाता है, न लिखें तब भी सही है। अब एक का गुणा एक्स में करेंगे तो 1x आएगा, ठीक ना, 1x, ठीक। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, इसको 1 को लिखिए ना लिखिए कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक ना, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर जिसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है, जिसको थोड़ा वन लिख ले तो घटाने में ईजी पड़ता है। ठीक, अब चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें माइनस फोर प्लस वन, ठीक ना, माइनस फोर प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस कहीं भी हो तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है, और बड़ी संख्या में देखते हैं चिन्ह किस चीज़ का है। तो माइनस ये बड़ी संख्या चार है, चार के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक ना। चार में से एक गया तीन, और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब चार में से एक गया, ठीक ना, प्लस वन नहीं ये माइनस वन है, तो चार में से एक गया तीन एक्स, ठीक, और ये प्लस फाइव हो गया। ठीक, अब देखिए इसको और आगे बढ़ ले जाना है, तो इसमें देखते हैं इसको इससे भाग करेंगे, तो इसको भाग कर लेते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस तीन बच जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं माइनस तीन। अब क्या करेंगे, इस माइनस तीन गुणा इन तीनों में पदों में करेंगे, तो माइनस तीन में एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर आ गया बटे, अब इसका आगे देखें, इस माइनस एक्स का माइनस थ्री में करेंगे, देखिए माइनस एक्स का माइनस तीन में करेंगे तो जाएगा दो माइनस है गुणा में तो प्लस जाएगा और थ्री एक्स बचेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस थ्री एक्स, और तीन एक कम तीन और एक माइनस है तो माइनस तीन। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये सेम चीज़ था कट गया, अब पाँच प्लस तीन ये आठ आ गया, ठीक ना, तो ये शेषफल हो गया, वो भागफल हो गया, लिखेंगे अतः भागफल बराबर, देखिए एक तरह में एक तरफ ही रफ किया था, ऐसे रफ कर लेंगे इधर, ठीक, भागफल कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन, और शेष फल कितना आया बराबर आठ। थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स कितना है, एक्स घात चार माइनस पाँच एक्स प्लस छ, और यहाँ लिखा है टू माइनस एक्स स्क्वायर, टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की घात चार माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसको पहले अदला बदली कर लेंगे, ठीक ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, देखिए ये चिन्ह जो होता है माइनस इसी का होता है, ये अपना माइनस लेकर आया और ये इधर चला गया, तो शुरू में कुछ नहीं तो प्लस होता है तो प्लस लिखा। अब इसको भाग करके देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इसको लिख लेते हैं एक्स घात चार माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक ना। अब इसको भाग करके देखते हैं तो एक्स के घात चार को माइनस एक्स घात दो के संग भाग करेंगे, तो देखिए चार है उसमें से दो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स घात दो, और चूंकि एक माइनस है तो माइनस में आएगा, तो ऊपर आंसर कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और एक्स घात दो और एक्स घात दो तो चार आ गया, तो एक्स घात चार, बट अब इसका गुणा भी इसमें करेंगे तो लिखेंगे माइनस टू एक्स स्क्वायर, देखिए गुणा कर लेते हैं दो गुणे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखिए इसमें कहीं नहीं है तो हम बगल में बाहर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब इसका चिन्ह बदल के हल करेंगे, ये चिन्ह बदला, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब चूंकि बड़ी घात है इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को यहाँ नीचे उतार लेंगे, तो लिखेंगे माइनस टू एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस फाइव एक्स, सॉरी ये प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, प्लस सिक्स, ठीक ना। अब इसका इसमें भाग कर लेते हैं, तो देखिए भाग करने पर कितना आया टू एक्स स्क्वायर बटे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इसका इसमें भाग कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, आया माइनस टू, यहाँ लिखेंगे माइनस टू। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक ना, इन दोनों पदों का इसमें अब गुणा किया जाता है,
तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू और एक्स स्क्वायर आ गया। फिर दो गुणा इसमें करेंगे तो दो को गुणा माइनस दो में करेंगे, ठीक है, तो माइनस चार आ गया, तो यहाँ माइनस चार लिख लेते हैं। अब चिन्ह बदलेंगे तो चिन्ह बदलने के बाद ये कैंसिल हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये आया माइनस फाइव एक्स और छः चार दस, ठीक ना, ये आ गया शेष फल, ठीक ना। तो अतः यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू और शेष फल बराबर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। तो ये भागफल और शेषफल आ गया। प्रश्न नंबर दो में क्या लिखा है, लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड होगा अगर हम पहले बहुपद को अगर दूसरे बहुपद से भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य आ जाए तो लिखेंगे हाँ ये गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल शून्य के अलावा कोई चीज़ आए तो वो गुणनखंड नहीं होता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर दो का पहला, टी स्क्वायर माइनस तीन और टू टी के पावर फोर प्लस थ्री टी के पावर थ्री माइनस टू टी के घात दो माइनस नाइन टी माइनस बारह, ठीक ना। टी स्क्वायर माइनस थ्री टू टी के पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। तो इसको पहले भाग देखते हैं, तो भाग दे लेते हैं इसको, टू टी के पावर फोर प्लस थ्री टी के पावर थ्री माइनस टू टी के पावर टू माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। इसको टी स्क्वायर माइनस तीन, ठीक है, इसे भाग करना है। तो जैसे पहले भाग क्या ऐसे इसको भाग करेंगे, इसको देखिए 2t के पावर 4 को t के पावर 2 से पहले भाग करेंगे तो 4 में से 2 घात घट जाएगी तो बचेगा 2t की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे 2t की घात 2, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा 2 और 2 2 4 तो घात 4 आ जाएगा, तो 2t की पावर 4। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 2 3 6 माइनस माइनस 6 टी स्क्वायर, तो माइनस 6 टी स्क्वायर, ठीक ना। इस माइनस 3 का गुणा 2 टी स्क्वायर में कर रहे हैं, ठीक ना। तो गुणा में अगर एक माइनस है तो माइनस लिखाएगा, फिर अंकों को गुणा करते हैं 3 2 6 फिर चर जो लिखा है उसको लिखते हैं तो टी स्क्वायर हो गया, तो माइनस 6t स्क्वायर, ठीक ना। टी स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसके नीचे उतारे हैं। अब चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस, तो कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ लिख नोट कर लेते हैं, 3t की घात 3 माइनस 2 प्लस 6, ठीक ना, माइनस 2 प्लस 6 बराबर 4, 6 में 2 गया 4, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक ना। तो ये पहला स्टेप हो गया, अब इसको फिर इससे भाग करेंगे, ठीक ना। तो ये लिख लेते हैं 3t की पावर 3 बटे टी स्क्वायर, तो जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 3 और 3 में से 2 घात कम हो जाएगी तो बचेगा केवल टी, तो प्लस 3t हो गया। अब इसका इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आया 3 और 2 घात और 1 घात तो 3 घात हो गई। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 इकाई 9 और माइनस माइनस 9t तो माइनस 9t। तब चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, तो कैंसिल हो गया, माइनस 9t प्लस 9t कैंसिल, जो बच गया उसको नोट कर लें, 4t स्क्वायर माइनस 12, ठीक। फिर इसका इसमें भाग कर लेते हैं तो आएगा 4t स्क्वायर
बटे टी के घात दो, तो कैंसिल हो गया, केवल फोर बच गया, तो यहाँ फोर लिख लेते हैं। अब फोर का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो चार टी स्क्वायर, चार टी स्क्वायर माइनस चार तिहाई बारह, चिन्ह बदलेंगे माइनस, ये चिन्ह हो गया तो प्लस, तो कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए जीरो आ गया, ठीक ना। तो चूंकि शेष फल बराबर जीरो है, अतः लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो ये रहा पहला प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखा है यक्स के घात दो प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक ना, इससे इसको भाग करना है, तो इसको भाग करना है, थ्री यक्स के पावर फोर प्लस फाइव यक्स के घात तीन माइनस सात यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स प्लस टू। तो यक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। इसको भाग दे के करते हैं, देखते हैं, थ्री एक्स के पावर फोर प्लस फाइव एक्स के पावर थ्री माइनस सेवन एक्स के पावर टू प्लस टू एक्स प्लस टू, और इसको इससे भाग करेंगे, यक्स से घात दो प्लस तीन एक्स प्लस एक। तो सबसे पहले इसको इससे भाग करेंगे, तो पहले भाग कर लेते हैं, थ्री यक्स के पावर फोर बटे यक्स के पावर टू, ऐसे भाग करेंगे तो देखिए तीन हो गया, ये तो रह गया चार घात, में से दो घात कैंसिल हो जाएगा, तो आया यक्स से घात दो। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं थ्री यक्स के घात दो, ठीक। तो जब इसका गुणा, अब देखिए इसका थ्री एक्स स्क्वायर का इन तीनों पदों में गुणा होगा, और जो होगा यहाँ इसको लिख लिया जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो दो घात चार घात हो गया, तो ये गया थ्री एक्स के घात चार। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो तीन त्रिकाई नौ और दो घात और एक घात तीन घात, तो तीन त्रिकाई नौ, नौ एक्स के घात तीन, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो तीन एक कम तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया गुणा। अब इसका चिन्ह बदल लेंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, कर लेते हैं, तो पाँच में से नौ है ना, पाँच माइनस नौ, तो पाँच माइनस नौ माइनस फोर आएगा, ठीक ना। पाँच में से देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, इसलिए माइनस लगेगा, और बड़ी संख्या में ही पाँच घटाएँ तो चार, ये आया माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक ना। अब सात तीन दस, तो माइनस दस स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब इसको इसको पहले इसको एक्स स्क्वायर से भाग करके देखते हैं कितना आता है, तो माइनस फोर एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, तो देखिए घात तीन घात दो, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तीन में से दो कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक्स यहाँ बच जाएगा, देखिए इस तरह हम कर रहे हैं, एक दो तीन बटे एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, एक्स कूड़े एक्स, तो ये कैंसिल आता है, तो आया माइनस फोर एक्स, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस फोर एक्स। अब क्या करेंगे, इस माइनस फोर एक्स का तीनों पदों में गुणा होगा, तो कितना आएगा, माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक ना। फिर इसका गुणा करेंगे तो चार तिहाई बारह माइनस, देख लेते हैं यहाँ पर, थ्री एक्स कूड़े माइनस फोर एक्स, तो जगह माइनस चार तिहाई बारह एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं माइनस बारह एक्स स्क्वायर। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस फोर एक्स ही रहेगा। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस टेन प्लस ट्वेल्व, मतलब बारह में दस गया टू एक्स स्क्वायर, और चार दो छः एक्स प्लस दो। अब इसका इसमें भाग कर लेंगे,
तो 2x² में से 2x² को x² से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ 2 लिखेंगे, इस 2 का गुणा तीनों पदों में करेंगे, तो इस 2 गुणा इसमें करेंगे तो ये जाएगा 2x², फिर 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6x और 2 एक कम 2। देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 0। देखिए शेषफल यहाँ 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। x³ -3x+1 और x⁵ -4x³ + x²+3x+1। तो x³ - 3x+1, x⁴ - 4x³+s²+3x+1। ठीक ना, इसको हल करते हैं, भाग कर लेते हैं इसको। x³ - 3x+1, x⁵ - 4x³+x²+3x+1। तो पहले x⁵ को x³ के संग भाग कर लेते हैं। तो x⁵ को x³ के संग भाग करेंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x⁵2। अब इस x²² का इन तीनों पदों में गुणा किया जाएगा, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 5 हो गया, तो घात 5 हो गई। फिर इसमें माइनस करेंगे तो केवल देखिए x का ही गुणा होगा, तो 2 और 1 घात 3, तो -3x³। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x²। ठीक ना, अब चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए -4+3, ठीक ना, -4+3, तो ये -1 आ जाएगा, -1x³, ये कैंसिल हो गया, ये आया +3x और +1। ठीक ना, इस 1 को लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब -x³ को x³ के संग भाग कर लेते हैं, -x³ को x³ के संग भाग करेंगे तो बराबर -1 आया, तो -1 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इस -1 का गुणा इन तीनों पदों में किया जाएगा, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -x³ हो गया, फिर इसका करेंगे तो केवल चिन्ह बदल जाएगा, तो 3 और 1 कम 3 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +3x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1। चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस कैंसिल, प्लस है तो माइनस कैंसिल, माइनस है तो प्लस, तो 1 1 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक बहुपद दिया हुआ है, तो प्रश्न नंबर 3 में एक बहुपद दिया है, px मान लेते हैं इसको। लिखा है 3x³ + 6x³ - 2x²- 10x - 5। ठीक ना, 3x⁴ + 6x³ - 2x²- 10x - 5।
के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य दिए हुए हैं तो दो शून्य क्या दिया हुआ है, करणी में 5/3 और करणी में माइनस करणी में 5/3 दिया हुआ है। तो इसके दो शून्य दिए हैं। देखिए सबसे बड़ी घात 4 है, मतलब 4 घात की बहुपद होने के कारण इसके 4 शून्य ज्ञात होंगे। तो हमको दो शून्य दिए हुए हैं और बाकी के दो शून्य ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, देखिए इसको देखते हैं, लिखेंगे, हल कर रहे हैं। चूंकि दो शून्यक कौन कौन से दिए हैं, करणी 5/3 एवं माइनस करणी 5/3 हैं, इसलिए अतः देखिए ये प्लस में है, ठीक ना, ये प्लस में है तो लिखेंगे यक्स माइनस करणी में 5/3 और ये माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस करणी में 5/3, ठीक ना। देखिए कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा, देखिए अगर आपके पास कोई भी जैसे यक्स माइनस 2, ठीक ना, किसी भी बहुपद का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो मान लिया गुणनखंड करने के बाद यक्स इतना आया, ठीक ना, तो इसको हम 0 से तुलना करते थे, तो 0 से तुलना करने पर यक्स माइनस 2 बराबर 0 या यक्स प्लस 3 बराबर 0 करते थे, इससे हमको शून्य ज्ञात हो जाता था। ये इधर गया तो 2 या यक्स बराबर माइनस 3, इस प्रकार दो शून्य ज्ञात हो जाया। देखिए 2 एवं माइनस 3 ये शून्य प्राप्त हो गया। अगर हमको इधर से वापस जाना हो तो क्या करेंगे, ये देखिए दो शून्य दिया है तो इसे गुणनखंड इस रूप में कैसे बदलेंगे, ये दो लिखा, इसको माइनस में लगा लिया, ये माइनस में है तो ये प्लस में चला गया, और फिर इन दोनों का शून्य 0 से तुलना है तो इसको क्या, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया तो ये गुणनखंड आ गया। इसी तरह हमने इसे यहाँ पे किया, दो शून्य प्राप्त थे, ठीक ना, तो प्लस में है तो माइनस के संग लिख लिया, माइनस है तो प्लस के संग लिख लिया। अब देखिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए ये रहा यक्स प्लस वाई का सूत्र लग रहा है, तो इस सूत्र को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये लिखा है ए यक्स माइनस वाई और यक्स प्लस वाई, इसका क्या सूत्र बनता है, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम हल कर लेते हैं इसी पर, तो ये आया यक्स स्क्वायर माइनस करणी में 5/3 का स्क्वायर, ठीक ना, यक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कर लिया। अब इसको हल कर लेंगे कितना जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस इस पर से स्क्वायर का इस पर से करणी भर हट जाएगी तो 5/3, तो ये जो आया ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना, गुणनखंड है तो हम इसको, इस बहुपद को अगर हम इससे भाग करें तो शेषफल शून्य आएगा। तो इसको देखते हैं, 3x^4 प्लस 6x^3 माइनस 2x² माइनस 10x-5, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे तो इसको ऐसे भाग करेंगे, इसको पहले जैसे पहले करते आए हैं, 3x^4 को x^2 से भाग करेंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 3x² आएगा, ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे 3x² और जब इस 3x² में इन दोनों पदों का गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3x 2 और 2 4, तो ये जाएगा 3x^4। फिर हम इसका गुणा इसमें करते हैं तो देखिए यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, माइनस 5/3 का गुणा 3x² में करेंगे तो ये 3 कैंसिल, माइनस 5x² आया, ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5x², x² के नीचे लिखेंगे माइनस 5x². अब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस कैंसिल, ये माइनस का प्लस हो गया और इसको यहाँ लिख लेते हैं 6x³। अब देखिए माइनस 2 प्लस 5 तो 5 में से 2 हो गया,
तीन और माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव। अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, तो यहाँ दे लेते हैं भाग, सिक्स एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, तो भाग करें कितना आएगा, तीन में से दो घात घट जाएगी तो एक एक्स घात बचेगी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस सिक्स एक्स, ठीक है ना। सिक्स एक्स का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो सिक्स का एक्स स्क्वायर करेंगे तो सिक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, तो सिक्स एक्स क्यूब और इसका गुणा इसमें करके देखिए, देखते हैं माइनस पाँच बटे तीन गुणे छः एक्स, ठीक ना। तो तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः बराबर माइनस टेन एक्स रहेगा ये, ठीक ना। पाँच दूनी दस, तो माइनस टेन एक्स, तो माइनस टेन एक्स यहाँ लिख दिए, चिन्ह बदलेंगे अब, माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब इसका हम भाग दे के देखते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये तीन आया, ठीक ना। इस तीन का तो यहाँ प्लस थ्री लिख लेते हैं। अब इस तीन का दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो पहले पद में गुणा करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसका गुणा इसमें करके देखते हैं, माइनस पाँच बटे तीन गुणे तीन, माइनस पाँच बटे तीन, तीन गुणा किए तो माइनस फाइव आया, तो चिन्ह बदलेंगे, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ शेषफल जीरो आया, अतः इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है, ठीक ना। तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, आप तो ऐसे ले सकते हैं, देखिए इसको 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ये आया है। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो भाग का चेक होता है, ठीक ना। तो ये भाज इन दोनों के गुणनखंड के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बटे तीन एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, ठीक ना। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो लिखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसमें पहले तीन तीन उभयनिष्ठ है तीनों में, तो यहाँ तीन पहले उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ तीन दूनी छः, और यहाँ बचा तीन का तीन चला गया तो एक बचा, ठीक ना। यहाँ आया तीन निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तीन दूनी छूता है तो तीन दूनी छः, तो तीन निकल गया तो ये दो बच गया, यहाँ पर तीन बाहर कॉमन निकल गया, उभयनिष्ठ हो गया तो ये तीन चला गया तो एक बचा। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं, इसका करते हैं तो जाएगा इस 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका ऐसा ब्रेक करते हैं, एक का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक गुणे एक, एक में एक जोड़ेंगे तो दो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो x प्लस एक्स 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 टू एक्स हो गया, तो इसमें चार पद आ गए, तो शुरू के दो पद और अंतिम के दो पद से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यह आ जाएगा इसमें से x कॉमन है तो x ले लिया, यहाँ x बचा प्लस वन, यहाँ से x बाहर चला गया तो वन बचा, यहाँ दो था तो यहाँ एक x बच गया, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो वन ले लेते हैं, तो वन उभयनिष्ठ हो गया, तो ये सेम चीज आ गया x प्लस वन। देखिए दोनों कोष्टक में सेम चीज आ गया, तो एक कोष्टक में ये x प्लस वन के स्थान पर एक x प्लस वन ले लिया, और ये जो किनारे ये सब बचे उसको लिख लेते हैं x प्लस वन। अब इसको तुलना करेंगे जीरो से, और इसको तो करेंगे तुलना जीरो से, तो हमको शेष शून्य ज्ञात हो जाएंगे, तो लिखते हैं x प्लस वन बराबर जीरो या x प्लस वन बराबर जीरो, तो हो जाएगा x बराबर माइनस वन या x बराबर माइनस वन। अतः
दिए गए बहुपद का शेष शून्यक क्या होता है? -1 और -1, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें लिखा है एक बहुपद दिया है को। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, ठीक ना। तो इसमें लिखा है एक बहुपद दिया है x3। देखिए x3-3x2+x+2, ठीक ना। इसको बोला है एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, तो हम इसको जी एक्स से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। तो जी एक्स से भाग देने पर भागफल देखिए कितना आया है। भागफल है x-2, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ x-2, ठीक ना। भागफल x-2 है और शेष फल -2x+4 ये हुआ है, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, हमको ना जी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, ठीक ना। तो भाज्य इसमें क्या है, अगर इसको भाग देखे तो ये भाज्य है, ठीक ना। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं x3-3x2+x+2 ये है भाजक। तो भाजक लिख लेते हैं जी एक्स गुणे भागफल कितना है, ये x-2 और शेष फल कितना है -2x+4, ठीक ना। तो इसको अब हल करेंगे, तो इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे x3-3x2+x+2। देखिए इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे बाई तरफ, तो -2x का +2x हो जाएगा और +4 का -4 बराबर ये है जी एक्स गुड़े x-2, ठीक ना। तो इसको हम हल कर लेते हैं x3-3x2। देखिए ये वाले हल हो जाएंगे, तो 2x और 1x 3x जाएगा, तो 3x और 2 में से 4 गया -2 बराबर gx और x-2, ठीक ना। तो gx का मान कितना हो जाएगा, इसको हम गुणे में है तो नीचे पक्षांतर कर देंगे भाग में, तो ये हो जाएगा x3-3x2+3x-2 और ये पक्षांतर हो गया भाग में, तो x-2 बराबर gx। तो हमको gx का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको x-2 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम इसको भाग दे लेते हैं, तो यहां लिखते हैं x-2 और ये लिखा है x3-3x2+3x-2, ठीक ना। तो जैसे भाग करते हैं, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, x के घात 3 को x के संग भाग करते हैं तो कितना बचेगा, एक x के घात 3 में से एक x घट जाएगा, तो बचेगा x की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे x की घात 2। अब इस x की घात 2 का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 घात और 1 घात, तो ये 3 घात हो गया, ठीक ना। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2x2, ठीक ना। अब इसके बाद चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, -3+2, ठीक ना। -3 में से +2 हल करेंगे, तो -3+2 बराबर -1, ठीक ना। तो -x² आ गया और इसको +3x-2, ठीक ना। अब इसको अब एक एक चरण खत्म हो गया, अब फिर एक काम करेंगे, इस -x² को इस x के संग भाग करना है, -x² को
एक्स किसके हम भाग करेंगे तो इसमें से एक एक्स कट जाएगा तो ये आएगा माइनस एक्स। तो अब इस माइनस एक्स का इन दोनों पदों में गुणा करना है तो करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दो एक्स, है ना, तो टू एक्स आ गया। अब इसको हल करते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तीन में से दो गया एक, ठीक ना, वन एक्स आ गया। इस माइनस टू को उतार लिए, अब फिर यही काम करेंगे, इस एक्स को एक्स के संग भाग देंगे तो एक्स को एक्स के संग भाग देने पर एक्स एक कम तो एक आ जाता है, तो यहाँ एक लिख लिए। तो इस एक का गुणा इन दोनों में करेंगे तो वही एक्स माइनस टू सेम चीज आ जाएगी, तो एक्स माइनस टू, चिन्ह बदल लेंगे तो कट जाएगा, ये चिन्ह बदलेंगे तो कट जाएगा। तो इस प्रकार हमको जी एक्स की वैल्यू ये प्राप्त हो गई, तो इसको लिख लेते हैं। अतः जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये हो, तो ये आंसर आ गया। तो ये हमने ये प्रश्नावली पूरी कर ली। अब अगले वीडियो में हम नए पार्ट के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।